नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंडिया में उसके बारे में देखेंगे। आपको पता होगा कैबिनेट जो है आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर में दो तीन होता है टोटल, ठीक है, और तीनों के बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो किस किस पोस्ट पर हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ये सब किसके पास होगा? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर के कौन कौन आते हैं, सबसे पहले उनके देखते हैं। श्री राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके पास है, ये फोटो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है श्री अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके पास है। नितिन जयराम गडकरी इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, दो मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट है श्री डीबी सदानंद गौड़ा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। श्री रामविलास पासवान मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तीन यहाँ पे इनके पास है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद श्री रवि शंकर प्रसाद इनके पास तीन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है थावर चंद गहलोत इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके पास है। नेक्स्ट श्री रमेश पोखरियाल निशंक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनके पास है। नेक्स्ट होगा अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दो मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तीन मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट श्री प्रकाश जावेदकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इनके पास तीन मिनिस्ट्री है, ठीक है। आगे चलेंगे श्री पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दो मिनिस्ट्री इनके पास है। श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, दो मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनके पास है। नेक्स्ट श्री प्रकाश प्रहलाद जोशी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोयल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास है। नेक्स्ट श्री गिरिराज सिंह इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी फिशरी इनके पास है। नेक्स्ट श्री गजेंद्र नाथ शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, नया मिनिस्ट्री था, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखें, कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक होता है उनके बारे में देख लिए, ये वाला जो था। उसके बाद एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दिया है, देखिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। तो ये किसी को हेल्प करने के लिए नहीं होते, इनका चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है। और एक मिनिस्ट्री होता है जो कि नीचे मिलेगा, उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये मिनिस्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपको कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस चार्ज जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले श्री संतोष कुमार गंगवार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्री राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तीन इनके पास, दो है इनके पास। श्रीपद यशो नायक मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, आयुष इसका बोलते हैं पूरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। श्री किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, प्रहलाद सिंह मिनिस्ट्री ऑफ क्या है इनके पास, कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों हैं। श्री राज कुमार सिंह इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इनके पास है। और हरदीप सिंह पुरी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ए है। उसके बाद श्री मनसुख एल मंडाविया इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, इनके पास है। तो इंडिपेंडेंस चार्ज वाला मिनिस्ट्री था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट था, कैबिनेट मिनिस्टर वाला और ये वाला, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स रहा कैबिनेट मिनिस्टर, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है सब
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो में हम लोग देखें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक और उसके बाद उनका कौन कौन मिनिस्ट्री उनके पास है, यह सब हम लोग देख लें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप भी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।